नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार अब डरावने साबित हो रहे हैं। सोमवार को एक ही दिन में इस संक्रमण की वजह से 25 लोगों की जाने चली गई है, जबकि संक्रमण दर की रफ्तार भी अब बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में पहली बार एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 5771 नए रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों ने एक बार फिर से अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का भय फैला दिया है। राज्य में 36441 एक्टिव केस हो गए हैं। लगातार बढ़ता संक्रमण और घटती रिकवरी रेट की वजह से राजस्थान एक बार फिर चिंताजनक हालात में पहुंच गया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी अब इमरजेंसी प्लानिंग कर रही है। सूत्रों की माने तो यदि संक्रमण दर यूं ही बढ़ती रही तो राज्य को लॉकडाउन के गंभीर परिणाम से भी गुजरना पड़ सकता है। प्रदेश की दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सबसे बड़ी खबर, 14 अप्रैल को शाम 6 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले निकल कर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद गहलोत सरकार भी उच्च स्तर के फैसले ले सकती है। कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या 20 भी सीमित की जा सकती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने पर चर्चा चल रही है। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, आज नवरात्रा का पहला दिन है, लेकिन कोरोना की बंदिशों के चलते अंबे माता, जीण माता, वैष्णो करणी माता, भद्रकाली मंदिर में आज बिना श्रद्धालुओं के ही घट की स्थापना होगी। भक्तों के लिए मंदिरों के पट बंद रहेंगे। दरअसल प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट के बाद गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम गहलोत लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने के भी संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद सीएम अशोक गहलोत कोरोना को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 9 तक की सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और इस बार भी कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। दोनों कक्षाओं के छात्रों को ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सहायक अग्निशमक अधिकारी छोटू राम और उसके सरकारी वाहन चालक फतेह सिंह को 90,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी रिश्वत की 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपए पहले ही ले चुके थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे प्रदेश के आसमान से अब गर्मी बरसने लगी है। राज्य के 16 शहरों और कस्बों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। बाड़मेर में पारा 43.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जैसलमेर में 42.2 और फलोदी में भी 42 डिग्री के साथ मारवाड़ में अंगारे बरसने वाली गर्मी के कारण लोग बेहाल हो रहे हैं और मौसम विभाग ने आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।